हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल अर्निंग सूट पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बोलूंगा कैसे आप लोग पेपल से 200 रुपीस डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हो, और मैं आप लोगों को पेमेंट प्रूफ भी दिखाऊंगा कैसे मैंने 200 रुपीस अपने बैंक अकाउंट में लिया है। तो पहले मैं आप लोगों को पेमेंट प्रूफ ही दिखा देता हूं। आप लोग यहां पे देख सकते हैं 200 रुपीस का कैशबैक डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट में मिल गया है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप लोगों को पूरा ट्रिक्स बताऊंगा, तो वीडियो को बिना स्किप किए एकदम एंड तक देखो और जाके ऑफर को अप्लाई करो। मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं इस वीडियो से आप लोगों को 200 रुपीस गारंटी फायदा होगा, और मैं आप लोगों को एंड में इसका अनलिमिटेड ट्रिक भी बताऊंगा कैसे आप लोग 200 रुपीस करके हर नंबर पे ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के पास एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक बार लाइक कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले फ्रेंड्स, आप लोगों को इस ऑफर को लूटने के लिए दो एप्लीकेशन की जरूरत है, एक है पेपल का एप्लीकेशन, दूसरा है पैसा वापस का एप्लीकेशन। तो फ्रेंड्स, मैंने दोनों एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहां से डाउनलोड कर लेना। दोनों एप्लीकेशन का साइन अप प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। तो फ्रेंड्स, पहले आप लोग पेपल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ पेपल में स्क्रीन रिकॉर्डिंग या फिर स्क्रीन शॉट अलाउ नहीं है। तो मैं आप लोग यहाँ पे दिखा भी नहीं सकता साइड में कि आप लोग कैसे साइन अप कर सकते हो, लेकिन मैं आप लोगों को जो बोल रहा हूँ आप जाके उसको जरूर से अप्लाई करो, तो आप लोगों को गारंटी कैशबैक मिलेगा। तो सिंपल से आप लोगों को साइन अप वाले ऑप्शन पे क्लिक करके साइन अप कर लेना है। उसके बाद आप लोगों को जो डिटेल्स मांगता है वहाँ पे फॉर्म में, जैसे कि नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जो मांगता है आप लोग सिंपल से वो दे देना। उसके बाद कन्फर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। कन्फर्म वाले ऑप्शन पे आप लोग जैसे ही क्लिक कर देते हो तो आप लोगों का साइन अप प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। साइन अप प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद तुरंत आप लोग जो ईमेल एड्रेस दे हो साइन अप करने के वक्त, तो उस ईमेल एड्रेस पे आप लोग को एक मेल आएगा पेपल का मेल कंफर्म करने के लिए। तो सिंपल से आप लोगों को ईमेल में चले जाना है, उसके बाद मेल कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप लोगों का ईमेल आईडी कंफर्म कर लेना है। उसके बाद आप लोगों को बैक आ जाना है पेपल अकाउंट में। पेपल अकाउंट में आने के बाद आप लोगों को ऊपर में सेटिंग्स का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सिंपल से आप लोगों को उस ऑप्शन पे क्लिक करना है, और नीचे में आप लोगों को बैंक एंड कार्ड का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। उस बैंक अकाउंट एंड कार्ड पे क्लिक करके आप लोगों को कोई भी एक डेबिट कार्ड लिंक करना है। मैं आप लोगों को बोलूंगा आप लोगों के पास अगर रुपए डेबिट कार्ड है तो आप लोगों को वो अलाउ नहीं करेगा। सिंपल से आप लोगों का जो मास्टर कार्ड या फिर वीजा कार्ड है तो आप लोग वहां से लिंक कर सकते हो। अगर आप लोगों के पास एयरटेल पेमेंट बैंक है तो आप लोग उस कार्ड को भी जरूर से यूज कर सकते हो। मेरा एक एयरटेल पेमेंट बैंक का कार्ड है तो मैंने यहाँ पे लिंक कर दिया है। लिंक करने के बाद आप लोगों को मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को जैसे ही देकर सबमिट कर देते हो तो आप लोगों का कार्ड लिंक हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों का पेपल का जो अकाउंट का साइन अप प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट मैं आप लोगों को बोलूंगा कैसे आप लोग पैसे वापस को डाउनलोड करना है। तो सिंपल से आप लोगों को पैसा वापस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा। तो सिंपल से पैसा वापस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को मोबाइल नंबर एंटर करने को बोलेगा। सिंपल से आप लोगों को मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। उसके बाद आप लोगों को मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आ जाएगा, उस ओटीपी को जैसे आप लोग पुट कर देते हो तो आप लोगों को ईमेल आईडी और ऊपर में रेफरल कोड मांगेगा। तो सिंपल से आप लोगों का जो ईमेल आईडी दिया हो वो ईमेल आईडी दे देना, ऊपर में आप लोग रेफरल कोड डाल सकते हो। रेफरल कोड को मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके उस रेफरल कोड को डाल देना। उसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। उसके बाद आप लोगों का नाम और पासवर्ड देने को बोलेगा। तो सिंपल से आप लोग अपना नाम और पासवर्ड देके कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, तो आप लोगों का पैसा वापस का जो साइन अप प्रोसेस है कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद पैसा वापस में जो ईमेल दिया है तो उस ईमेल पे भी आप लोगों का एक मेल आएगा मेल को कंफर्म करने के लिए। तो सिंपल से आप लोग उस मेल पे चले जाना है, तुरंत ही 1 से 2 मिनट के अंदर आप लोगों को मेल आ जाएगा। तो सिंपल से आप लोग उस मेल पे जाना है, उसके बाद कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ईमेल को कंफर्म कर देना है। उसके बाद पैसा वापस में फिर से आपको लॉगिन हो जाना है। पैसा वापस में आप लोगों को लॉगिन होने के बाद वहां पे बाय गिफ्ट कार्ड का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सिंपल से आप लोग वहां पे क्लिक करना है। वहां पे आप लोगों को एक बैनर शो हो जाएगा 50% कैशबैक अप टू ₹200। मैं आप लोगों को इस ऑफर का पूरा डिटेल समझा देता हूँ। आप लोग अगर पेपल के थ्रू कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो तो आप लोगों को 50% के हिसाब से ₹200 का कैशबैक आप लोगों को मिलेगा। तो सिंपल से आप लोग अमेजन का ₹500 का गिफ्ट कार्ड चूज कर लेना है। उसके बाद पेमेंट मेथड पेपल सिलेक्ट कर लेना है। पेपल सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों को पेपल अकाउंट को लॉगिन करने को बोलेगा। तो सिंपल से आप लोगों का पेपल अकाउंट जो है तो लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद आप लोग जो पेपल में डेबिट कार्ड यूज किए हो उस डेबिट कार्ड का जो सीवीवी नंबर होता है वो 3 डिजिट नंबर दे देना है। उसके बाद पे नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आ जाएगा, उस ओटीपी को जैसे आप लोग पुट कर देते हो तो आप लोगों का
ट्रांजेक्शन कम्प्लीट हो जाता है। ट्रांजेक्शन कम्प्लीट होने के बाद पैसा वापस आप लोग जो 500 रुपीस का अमेजोन का गिफ्ट कार्ड खरीदे हो तो ईमेल में आप लोगों को वो कोड मिल जाएगा। उस कोड को यूज करके आप लोग अमेजोन पे चले जाना है, एड गिफ्ट कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप लोगों को गिफ्ट कार्ड ऐड कर लेना है। उसके बाद आप लोगों का अमेजोन पे में 500 रुपीस ऐड हो जाएगा। आप 500 रुपीस को अपने बैंक अकाउंट में कैसे ले सकते हो उसका ट्रिक्स भी मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर उस वीडियो को आप लोगों ने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप जाके उस वीडियो को देख लेना। तो आप लोग अमेजोन से पैसा अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हो। तो आप लोग पेपल में भी जाके देख सकते हो आप लोगों का 500 रुपीस का ट्रांजेक्शन हो गया, यानी कि पहली बार के ट्रांजेक्शन में आप लोगों को जो 200 रुपीस का कैशबैक मिलता है वो कंफर्म हो जाएगा। और विद इन 5 डेज के अंदर आप लोग जो मेल दिए हो मेल के अंदर आप लोगों को 200 रुपीस मिल जाएगा। आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ आप लोगों को वो 200 रुपीस अपने पेपल अकाउंट में देखने को नहीं मिलेगा, आप लोग जो ईमेल दिए हो वहां पे जाके आप लोगों को वो 200 रुपीस शो हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, 5 डेज के अंदर आप लोग जो ईमेल एड्रेस दिए हो वहां पे आप लोग 200 रुपीस जैसे मिल जाता है तो आप लोगों को सिंपल से पैसा वापस में आ जाना है। उसके बाद 200 रुपीस का कोई भी गिफ्ट कार्ड खरीद सकते हो, अमेज़न का भी खरीद सकते हो या फिर पेटीएम का भी गिफ्ट कार्ड खरीद सकते हो। तो जैसे आप लोग 200 रुपीस का कोई भी गिफ्ट कार्ड खरीदते हो और पेमेंट कर देते हो पेपल के थ्रू तो आप लोगों का 200 रुपीस में कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, यानी कि पेपल में जो 200 रुपीस आप लोग कैशबैक अर्न किए वहां से आप लोगों का कट हो जाएगा और 200 रुपीस गिफ्ट कार्ड को फ्री में ले सकते हो, वो पैसा आप लोग बैंक में ले सकते हो। आप लोगों को मैं बोलूंगा अगर वीडियो में आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देखो ताकि आप लोगों को पूरा समझ में आ जाए। और मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा इस वीडियो से आप लोगों को कोई भी एक मदद आए तो वीडियो को एक बार लाइक कर देना, और अगर हमारे यूट्यूब चैनल के साथ अगर जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चले बढ़ते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।